दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बचे हुए चावल से, कई बार चावल बच जाते हैं हम फेंकते हैं, तो उससे हम ऐसा रेसिपी बनाएंगे दोस्तों जो सभी को पसंद आएगा, छोटे से लेकर बड़े तक। तो कुछ सीक्रेट चीज़ हम यूज़ करेंगे यहाँ, तो वो तो मैं वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी वाला बटन है ना उसका दबा लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के लिए, और एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक से मैं मोटिवेट होता हूँ और ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ दोस्तों आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, लिटिल कुकिंग में आपको बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देसी घी 1 चम्मच, और आपके चावल के क्वांटिटी के हिसाब से। उसके बाद थोड़ा सा खड़ा मसाले में यूज़ कर रहे हैं जीरा, साबुत जीरा, तेज़पत्ता और लाल मिर्च। उसके बाद दोस्तों मैं इसमें डाल लूँ कटी हुई, बारीक कटी हुई लहसुन। इन सबको दोस्तों एक बार अच्छे से मिला लें। इसके बाद हम फिर इसमें डालेंगे हमारी कटी हुई प्याज, अदरक और कटी हुई हरी मिर्च। इन सारे को दोस्तों अच्छे से मिला लें और 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में भून लें। उसके बाद दोस्तों इसमें डाल दें आप कटी हुई गाजर, और उसको अच्छे से मिला लें। उसके बाद फिर हम डालेंगे इसमें कटी हुई टमाटर। उसके बाद हम डालेंगे इसमें कड़ी पत्ता, थोड़ा सा ज़्यादा कड़ी पत्ता डाल लेंगे, थोड़ा सा पसंद है। टमाटर आए तो थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट तो आएगा, थोड़ा सा नमक, चुटकी भर नमक। उसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे हमारी हरी मटर। ये फ्रोजन वाला था तो मैं इसको थोड़ा सा उबाल दिया था, अगर आप ताज़ा ले रहे हो तो ऐसे ही डाल दो। उसके बाद थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद है, मैं थोड़ा सा काजू और किशमिश डाल रहा हूँ इसमें। उसके बाद थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा हल्का सा गर्म मसाला। उसके बाद इसको थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के 2 मिनट के लिए इसको मसाले को और सारे को थोड़ा मिला लें। उसके बाद डालें जो सीक्रेट चीज़ हमारे लिए, मैगी मसाला। 1 पाउच मैगी मसाला सबको पसंद आती है, बच्चे को खासकर। मैगी मसाला डालने के बाद ये डाल दिया मैंने बची हुई चावल, रात वाला चावल थे मैंने डाल दिया। अब इसको स्लो मीडियम में 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिला लें, सारे चीज़ मिक्स हो जाएगी 2 से 3 मिनट में। अब दोस्तों बारी है कि इसको थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर बनाने की, तो इसके लिए हम थोड़ा सा हल्का सा एक नींबू का टुकड़ा डालेंगे इसमें, बहुत ही चटपटा फ्लेवर आएगा। तो बन गया ना, बहुत आसान है बनाना। अब दोस्तों इसको एंजॉय कीजिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक लाइक तो जरूर करिएगा दोस्तों। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। जय हिंद।